ट्रिपल में चल जाओ ट्रिपल। बहुत बढ़िया फिनिश करो सालों को। दो और आगे पीछे से फिनिश साले को। कोई नहीं दो एक। तो यार पहले जब आप सोलो खेलते थे तो तब वहाँ पे जो है कोई भी बैन पैन नाम का कोई सिस्टम आपको जो है एक्टिवेट होते हुए नहीं दिखता था, लेकिन अभी अगर आप सोलो खेलोगे या जब भी मैच स्टार्ट करोगे तो आपको नीचे दिखाई देगा कि भाई बैन पैन ऐसा वो अपना जो है प्रोसेसिंग ले रहा है, उसको स्कैन कर रहा है। लेकिन देखा जाए तो भाई अभी तक भी जो है काम अच्छे से नहीं कर पा रहा है। मतलब मैं देखा है बहुत सारे हैकर अभी भी आ रहे हैं, मतलब बहुत सारे की मतलब ये है कि मतलब आप कुछ भी करके लास्ट सर्कल तक पहुँच जाते हो, जो कि मैं आपको कल के मैचेस में दिखाऊंगा। अभी तो होता क्या है कि आखिर में बस हैकर ही जमा रहते हैं, मतलब बचेंगे ही हैकर बस, तो उनमें सर्वाइव ही होता। तो मैंने सोचा है कि भाई अभी एक काम करते हैं, जब तक जो है बैन पैन सिस्टम में अच्छी ऐसे कमियां हैं तो, और जब तक वो कमियां दूर नहीं होती हैं तब तक सोलो खेलने का कोई मतलब नहीं है। मैं जो कॉन्कर के काफ़ी क्लोज हूँ, अगर बैन पैन बजना स्टार्ट मतलब अगर बैन होना स्टार्ट हो जाते हैं तो मैं इजीली खुद ब खुद ही कॉन्करर हो जाऊंगा, क्योंकि मेरे इतने पॉइंट हैं कि मैं डिजर्व करता हूँ कॉन्करर होना। अभी मेरा जो है एस वन हो गया है शायद, अगर देखा जाए, अगर आपको ओल्ड रैंकिंग पता हो तो एस वन क्या होता है, एस वन हो गया मेरा ऑलमोस्ट, और थोड़ा बहुत माइनस लगने के कारण थोड़ा ऊपर नीचे है, लेकिन हाँ एस वन है मेरा। बट है क्या कि एस वन पे इजीली आपको जो कॉन्करर मिल जाता है पिछले सीजन में या कोई भी सीजन आपने अभी तक खेला हो, लेकिन इस सीजन में हैकर्स के कारण जो पॉइंट सिस्टम है वो इतना ज़्यादा ऊपर चला गया है कि भाई अब जो है 4800 वाले को जाके कॉन्करर मिल रहा है, 4700 वाले को। मतलब देखो पहले जो 4200 पॉइंट में काम हो जाता अब इतने ज़्यादा पॉइंट करने पड़ेंगे, जो कि भाई बहुत 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 ज़्यादा मुश्किल है। उसको वो बंदा कर सकता है जिसके पास दिन में सिर्फ खेलने का ही काम है। अभी के टाइम पे देखा जाए तो मैं हाँ ट्राई कर रहा हूँ रैंक पुश करने की, लेकिन इसके अलावा भी मेरे को बहुत काम रहते हैं, सो मैं जो है इतना टाइम नहीं दे पाता हूँ सोलो को। क्योंकि देखो यार सोलो अगर आपको 4800 पॉइंट तक पहुँचना है, देखो 4200 पे एस हो जाता है और उसके बाद 500 पॉइंट और चाहिए, मतलब ऑलमोस्ट आपको अच्छे से कॉन्कर करने के लिए, जो कि जा भाई बहुत ज़्यादा ही मुश्किल है। क्योंकि देखो एक तो सबके सब हैक कर, और ये देखो भाई नीचे लीग वाले मतलब जो छोटी लीग है उसमें आपको इतने हैकर नहीं मिलेंगे, लेकिन जो अपर लीग है वहाँ पे भाई आपको इतने ज़्यादा हैकर मिलेंगे कि आप थोड़ी देर के लिए भाई डिसअपॉइंट हो जाएगा कि भाई ये क्या है। मतलब इस पबजी की हमने जो है उम्मीद नहीं करी थी, हम नहीं चाहते थे ऐसा पबजी हो जिसमें इतने सारे हैकर हों। और चलो हैकर तो होते ही हैं भाई हर गेम में, लेकिन बैन सिस्टम काम ही ना करे। और भाई मैं अकेला परेशान नहीं हूँ, देखो यार स्क्वाड में खेलने वाले लोग और डुओ में खेलने वाले लोग वो लोग भी बहुत ज़्यादा हाईली परेशान हैं। लेकिन होता क्या है कि जब आप सोलो में खेलते हो ना तो सोलो वन ऑफ द टफेस्ट कह सकते हो, क्योंकि देखो यार सोलो में ना जो टेम्परामेंट चाहिए ना, सोलो एक हिसाब से टेस्ट मैच की तरह है, जहाँ पे आपको कोई एंटरटेनमेंट नहीं है, कुछ भी नहीं है, अकेला खेलना पड़ता है, अकेला कैंप करो, कोई मज़ा नहीं है उसमें। स्क्वाड में तो ऐसा होता है अपने दोस्तों के साथ गप्पे लड़ाओ, अपने दोस्तों के साथ बातचीत करो, बात बात में टाइम पास हो जाता है स्क्वाड में। डुओ में भी सेम होता है, डुओ में आप बातें कर सकते हो, टाइम पास कर सकते हो फुल, लेकिन सोलो के अंदर सोचो आप अकेले खेल रहे हो, खेलते ही जा रहे हो, और ये भी नहीं कि आप फाइट कर रहे हो या आपको कोई भी इंजॉयमेंट मिल रही है, आप कैंप कर रहे हो यार एक घर के अंदर। और कैंप करने से किसको जो है जॉय मिलता है, किसको खुशी मिलती है या किसको मज़ा आता है भाई, वो एक दर्द होता है, मतलब वो एक ऐसा टेम्परामेंट है जो मतलब वहाँ पे खेलना ना टेस्ट मैच खेलने के बराबर है सोलो, ठीक है। जिन लोगों ने सोलो खेला है वो मेरी बात से 110% एग्री करेंगे। देखो हार्ड होता है, पॉइंट सबसे ज़्यादा होते हैं स्क्वाड में मुश्किल कॉन्कर करने के लिए, लेकिन सबसे हार्ड होता है सोलो में, क्योंकि स्क्वाड में तो आप कर लोगे अपने टीममेट्स के थ्रू या अपने टीममेट्स के साथ खेल के फिर भी कोऑपरेट करके, लेकिन सोलो में क्या, सोलो में तो आपको अकेला ही खेलना है भाई, इतना बोरिंग होता है ना, इतना बोरिंग होता है। अगर मतलब जो बंदा सोलो में 10 मैच खेल ले ना वो भी रैंक पुशिंग के, तो समझ लो कि भाई वो बंदा जो है इतनी बोरियत को झेल चुका है, मतलब सोलो बिल्कुल नहीं खेलेगा वो बंदा कॉन्करर होने के बाद। तो वैसे ही होता है, सोलो आदमी तभी खेलता है जब उसको किल मिल रहे हो, जब उसको किल चाहिए, उसको भर भर के किल चाहिए, और इजी 1-1 फाइट होता है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं होता सोलो में। लेकिन मुश्किल कब होता है, जब आप रैंक पुश कर रहे हो, जब आपको कैंपिंग करना है, जब आपको 20 मिनट कैंप करना है, और भाई अकेले सड़ना एक घर के अंदर, पड़े रहो 20 मिनट तक, मतलब ऐसा मोबाइल हाथ में रखो, कुछ नहीं करना, बस लूट करके बैठ जाओ, 20 मिनट तक का वेट करो, एंड सर्कल में पहुँचो और फिर हैक करके आते पे ले जाओ, और ये बहुत ही दर्दफुल होता है, बहुत ही हार्ड होता है।
मैंने स्क्वाड में भी पुश कर रखा है, और स्क्वाड में मैंने देखा है भाई जब आपके चार दोस्त आपके साथ रहते हैं फुल बकचोदी होती है, फुल बातें होती है, फुल टाइम पास होता है, बातों ही बातों में कब पता टाइम निकल जाए उसका कोई पता नहीं चलता। तो स्क्वाड में ना भले पॉइंट बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, मुश्किल भी ज़्यादा है, हैकर भी हैं ठीक है, लेकिन हार्ड उतना नहीं होता है, मतलब हार्ड होता है कंपेयर टू सोलो, जितना सोलो में बोरियत होती है जितना सोलो में जो मुश्किल होती है वो नहीं होती है भाई, इतना तो कहूँ मैं स्क्वाड में ठीक है। और मैंने देखो तीनों में ही पुश कर रखा है, हालांकि कॉन्करर मैंने सोलो में किया था क्योंकि देखो मैं शुरू से ही सोलो खेलता आ रहा हूँ, तो हर एक आदमी का अपना अपना स्वाद होता है, कोई बंदे सिर्फ और सिर्फ स्क्वाड में ही कॉन्करर करते हैं, कुछ लोगों ने तो आज तक सोलो खेला भी नहीं होगा, वो अच्छे प्लेयर हैं लेकिन उन्होंने नहीं खेला हुआ सोलो। यहाँ पे जो है मैंने दो बंदों को तो निपटा दिया था लेकिन मेरे टीममेट का अच्छा सपोर्ट था जो कि उसने मेरे को बचा लिया। और यहाँ पे जो है मैं बचने के बाद जो है थोड़ा बहुत लूट करते हैं, उसके बाद निकलते हैं पोचिंग की होते हैं, होके आते हैं, कोई नहीं मिलता, फिर वापस हम अपार्टमेंट की साइड जाते हैं, लेकिन ऊपर वाली साइड से ना फायरिंग हो रही थी तो हम आते वापस ही और यहीं से गए थे और वापस यहीं पर आए घूम गए थोड़ी देर बाद। अब देखो क्या होता है यहाँ पे, ये लोग जो है काफ़ी केयरलेस होकर जो है ओपन में लेटे हुए थे। फिलहाल जो है आप इनकी तरह गलती मत करना, आप ट्राई कर सकते हो वन एक्स बेट। मैंने आज वैसे इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का टेस्ट मैच देखा है, तो आपको क्या लगता है भाई कौन सी टीम जीतेगी? अगर आपको मतलब सेल्फ बिलीव है भाई इंडिया जीतेगी तो भाई आप वन एक्स बेट पर जाके प्रडिक्शन कर सकते हो वहाँ पे। और अगर आप प्रडिक्शन करते हो, आपकी प्रडिक्शन सक्सेसफुल होती है मैच खत्म होने के बाद, आप कहते हो कि हाँ इंडिया जीतेगी, इंडिया जीतती है, तो भाई आपको जो है जो रिवॉर्ड है वो डबल हो जाएगा आपका, और आप अपने पैसों को जो है पेटीएम में ट्रांसफ़र कर सकते हो, बैंक ट्रांसफ़र कर सकते हो, यूपीआई के थ्रू जो है इसमें पैसे ऐड भी कर सकते हो। सो ट्राई करना वन एक्स बेट, आपको कमेंट सेक्शन में लिंक दे दूंगा मैं, साइनअप करते ही आपको जो है $100 का एक्स्ट्रा कैश बोनस मिलेगा जिसको आप ट्राई कर सकते हो अपनी प्रेडिक्शन के अंदर ठीक है। तो ट्राई करना, कमेंट सेक्शन में लिंक दे दूंगा, लेकिन मेरा टीममेट उतर जाता है इतने चक्कर में। अभी यहाँ पे रहते चार बंदे और मेरा टीममेट उतर चुका है, मेरे यहाँ पे बचने की कोई उम्मीद नहीं है। हालांकि मेरे पास जो है M249 है, लेकिन भाई फिर भी उम्मीद कम है, अगर वो एक बार में रश कर देते हैं तो थोड़ा सा मेरे पास यहाँ पे चांस कम रहेगा उन लोगों को सबको मारने का। और वो यही चीज़ करते, देखो सोलो सोलो नहीं आते, वो सब एक साथ आने की ट्राई कर देते, लेकिन उनमें से एक दो बंदे को थोड़ा लालच होती है कि भाई वो मेरा किल उठा ले, क्योंकि मैं अकेला ही था यहाँ पे, तो मैंने नेट वेट फेंक दिया, पीछे भाग गया थोड़ा, मैंने जो अपने लिए टाइम गेन किया यहाँ पे ताकि वो लोग जो थोड़ा सा पीछे छूट जाएँ, और मैंने इस बंदे को पूरा का पूरा फिनिश कर दिया। अब आ रही थी दूसरे टीममेट की, वो भी वही चीज़ करने के लिए आता, वो भी फटाफट मेरा किल लेने के लिए आता, इसको लगा कि शायद इसके टीममेट ने मेरे को डैमेज कर दिया होगा और ये मेरे को फिनिश कर देगा, बट ये खुद फिनिश होने वाला है अभी। खैर तीसरा भी आता है, अब इनमें जो सबसे समझदार था वो था भाई इनका चौथा बंदा। देखो तीन बंदे तीनों लालची थे, पहला वाला तो बहुत लालची था, उसने अपनी पूरी टीम को पीछे छोड़ दिया, और ऐसे टाइम पे नहीं छोड़ना चाहिए। हालांकि वैसे एक ही बंदा है तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि एक बंदा 1v4 कर दे, और वही इनके साथ होता हुआ दिख रहा है यहाँ पे। लेकिन जो चौथा बंदा था वो समझदार था, वो रुकता है, उसको पता था भाई कि देखो अगर वो अभी आगे गया तो भाई पूरी टीम ही खत्म हो जाएगी। खत्म हो गई वैसे इसकी पूरी टीम, बट अभी वो बचा हुआ था, वो चांस है कुछ 1v1 में क्लियर करने का उसको मेरे को, क्योंकि उन्होंने अभी अभी फ्लेयर ड्रॉप लूटा है, तो हो सकता है वो मेरे को मार दे, बट गलत जगह पर था वो बंदा, गलत जगह पे स्मोक भी कर रखा था उसने, और मेरे को जहाँ तक लग रहा था वो वॉल के पीछे। अब मेरे को, मैं थोड़ा ना फ्लैंक करता हूँ, बट उसने मेरे फ्लैंक को सुना नहीं, और ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, वो तब भी वहाँ से नहीं हिला, उसको लगा स्मोक है। और होता क्या है कि जब आप स्मोक के बहुत ज़्यादा क्लोज रहते हो ना, स्मोक के जो नॉइस है ना, मतलब आपने नोट किया होगा जब आपके ऊपर स्मोक होता है तो स्मोक की एक हल्की सी नॉइस होती है, वो आपको जो है थोड़ा दूर के साउंड सुनने में ना वो आपका एकदम साउंड कैंसिल कर देती है, और ये थोड़ा सा कभी कभी इरिटेटिंग होता है, लेकिन फिर भी स्मोक जो है, अगर स्मोक आपके ऊपर हो रखा है, एक एक दो दो स्मोक हो रखे, तो उसका थोड़ा नॉइस जो है आपके कुछ ना कुछ जो एनिमीज फुटस्टेप हैं उनको कहीं ना कहीं हाइड कर देता है, उनको दबा देता है, और वही उस बंदे के साथ हुआ वहाँ पे, अदरवाइज वो इजीली मेरे फुटस्टेप सुन सकता था वहाँ पे, बट खैर कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं यहाँ पे, यहाँ पे भी चार बंदे रहते हैं, 1v4 करने का चांस था मेरे पास यहाँ पे, लेकिन भाई जो टीम है वो टीम अगर रश ना करे तो भाई कोई भी बंदा जो है 1v4 इतना इजीली नहीं कर सकता। देखो अगर सामने वाली टीम अग्रेसिव है तो उनके मरने के चांस भी उतने ही ज़्यादा हैं, जितना रिस्क लेंगे उतना मरेंगे। अब होता क्या कि यहाँ पे मेरे को एक बंदे की, वो देखो गन ग्लिच होते हुए दिख रही है, अब होता क्या कि मैं ना यहाँ पे वहीं पर नेट मारता हूँ, पहला नेट किया कुछ नहीं हुआ उस बंदे को, और वो वहाँ से भागा भी नहीं, उसको लगा कि दूसरा नेट तो करने ही नहीं वाला, मैंने दूसरा भी कर दिया वहाँ पे, वो बंदा अभी भी उधर ही था, अब मेरे को लगा इस बार हो जाएगा, लेकिन नेट बाहर गिर गया। अब मैं यहाँ पे ना मॉली फेंकता हूँ, मुझे पता था भाई मॉली से तो काम हो जाएगा, वो बंदा इतना ढीर था भाई हिला ही नहीं, तो मैंने कहा था ना अगर आप नहीं वो सामने वाला रश करो तो
काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है सामने वालों को मारना। देखो अब इसको मैंने जो है नॉक कर दिया, ये बंदा कहीं ना कहीं फिनिश भी हो जाएगा मॉली के अंदर, क्योंकि मॉली है वहाँ पे, ठीक है। भागने की तो वो कोशिश करेगा, अब वो इतने में ना जल जाता है। और बाकी बची थी इसकी टीम, अब तीन बंदे बचे हैं, नो एग्रेसिव, कोई इनमें कोई एग्रेसिवनेस नहीं थी। इनको पता था भाई एक बंदा इनको कभी भी नहीं मार सकता अगर ये सारे के सारे मिलके रहे। और ये जानना बहुत ज़रूरी है, कई बार जो है आपको अटैक करना पड़ता है, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि भाई जब हमको अटैक करने की ज़रूरत नहीं होती तो हम फालतू का अटैक करते हैं, और वही उसी के कारण जो है सामने वाली कभी बार टीम जो है 1v4 हो जाती है किसी एक बंदे के हाथों। लेकिन टीम अगर पेशेंस रखे, जैसे कि इस टीम ने रखा, तो भाई देखो बड़े से बड़े एनमी को भी आप मार सकते हो एक साथ रह के, ठीक है। वैसे ये कैंपिंग होती है, इसको कैंपिंग कहते हैं। वैसे ये लोग इतना हाईली कैंप कर रहे थे, इतना हाईली कैंप कर रहे थे। देखो मेरे को लगा वो, देखो वो लेटे हुए, हल्का सा कुछ दिखा था मेरे को, अब मैं जैसे घुसा खत्म। भाई ये क्या था मुझे समझ नहीं आ रहा कि किस लेवल का पेशेंस था इन दोनों में, मतलब बिल्कुल भी नहीं ले। बट उससे पहले मेरे जो है 24 किल हो चुके थे, अगर मैं ये मैच जीता इन दोनों को भी मारता तो 26 ही, और बाकी के बचे हुए तो 29 किल मेरे करीबन करीबन हो जाते, बट वैसा हो नहीं पाया। सो दैट्स इट यार, ये था गेम प्ले, होप आपको बढ़िया लगा होगा। एंड अगर तो आपको बढ़िया लगा तो भाई बताओ मेरे को कमेंट सेक्शन में कि कौन सा पार्ट आपको सबसे बेटर लगा ये वाली वीडियो में, और कौन सी बात आपको जो है सही लगी। ट्राई करूंगा लाइव पे रैंक पुश करने का अगर मेरे टीममेट मेरे पास नहीं होते, बट अगर मेरे टीममेट मेरे पास होंगे तो भाई स्क्वाड में अपन जो है साथ खेलेंगे, और आप मेरे साथ लाइव जुड़ सकते हो लेजिट वाले चैनल पे, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। बाकी मैं मिलता हूँ किसी को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।